वाराणसी में गणपति की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर हिसार रोड पर ज्ञानानंद मिशन मंदिर के पास पलट गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकांश नाबालिग हैं। पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में पहुँचाया गया। घटना शाम 6 बजे की है। सभी श्रद्धालु चेता मोहल्ला के हैं। चेता मोहल्ला में लोगों ने गणपति की स्थापना की थी। शनिवार को वह गणपति विसर्जन के लिए हिसार की नहर में लेकर जा रहे थे। जैसे ही वे हाईवे पर ज्ञानानंद मिशन के पास पहुंचे तो ट्रैक्टर चालक ने एक वाहन को ओवरटेक करना चाहा। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में सवार सभी श्रद्धालु नीचे गिर गए और घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका उपचार किया गया। 3 को गंभीर अवस्था में हिसार भेज दिया गया। नवदीप, नीरज, चिराग, शुभम, लखन, सोनू और शिवा घायल हुए हैं। इनमें सोनू, शुभम और चिराग को हिसार रेफर किया गया है। हम गणपति विसर्जन के लिए जा रहे थे और ट्रेली वाले ने जैसे ही ओवरटेक करी उसने अपना बैलेंस बिगाड़ दिया और उसकी वजह से हमारी ट्रेली पलट गई। उसमें भैया 4-5 बंदों को ज़्यादा लगी है और बाकी जो ज़्यादा है वो 2 बंदों को हमने हिसार भेजा है। अच्छा। कईयों को जैसे पैर में लग रही है, हाथ में लग रही है, पर वो ठीक है। दो तीन बंदे हैं जो ज्यादा सीरियस रहे हैं। अभी 20-25 आदमी थे। और कहाँ से आ रहे थे आप सब? हम हांसी से आ रहे थे, उमरा गेट के पास से।